দাদাজি 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 এই ইয়ে শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরে আই নো। तो हेलो एंड वेलकम अगेन दोस्तों। तो भैया करण जौहर की एक और फिल्म जो बेस है लव रोमांटिक फैमिली ड्रामा कॉमेडी, अरे रे रे रे, एक ही साथ इतनी सारी चीजें डाल के रायता बनाना, ये सिर्फ करण जौहर ही कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, रॉकी और रानी की प्रेम कहानी मूवी को रिलीज कर दिया गया है और मूवी देखने का उतना ही वैल्यू है कि शादी का लड्डू जो खाए सो पछताए, ना खाए सो पछताए। खैर 3 घंटे आपको रणवीर और आलिया की एक्टिंग थिएटर में बैठने पर मजबूर कर ही देगी, जिसमें रणवीर सिंह पावर हाउस एनर्जी एक तरफा मूवी में नजर आ रहे हैं। अगर कहीं थोड़ा सा आपका इंटरेस्ट डगमगाने भी लग जाएगा तो धर्मपाजी की एंट्री आपका मूड बनवा ही देगी पूरी मूवी को झेलने के लिए कि यार अब इतना समय खपा ही दिया है, पैसा टिकट में लगा ही दिया है, तो क्यों ना ही पूरी फिल्म को ही देख लिया जाए। और तभी आएगा ट्विस्ट और आपको आने लग जाएगा मजा, क्योंकि मूवी में आपको समटाइम फन देखने को मिलेगा तो समटाइम फैमिली ड्रामा भरपूर लाइक सिविल वॉर इन द फैमिली, तो समटाइम आपको ढेर सारा रोमांस लव भी देखने को मिलेगा। तो मूवी एक छोटे सा पैक है, उसमें बड़ा धमाका मिल सकता है, लेकिन जैसा कि सब जानते हैं करण जौहर की मूवी है तो बोल्डनेस बहुत होती है मूवी में। कुछ कुछ ऐसे सीन्स हैं जो फैमिली के साथ जाने वाले बंदों के लिए डिस्कम्फर्ट कर सकती है एक बार के लिए, क्योंकि बॉडली किसिंग सीन है और करण जौहर की फिल्म से हम एक्सपेक्ट ही क्या कर सकते हैं। देखो मूवी में 70s और आज के टाइम का लव तड़का जबरदस्त दिखाया गया है, क्योंकि रॉकी और रानी के बीच जो जबरदस्त केमिस्ट्री है वो धर्मपाजी और आलिया की दादी के बीच भी जबरदस्त देखने को मिलेगी। बिल्कुल सही सुना आपने। दूसरा, आपको हर घर की कहानी यहां से फील होगी कि इस फिल्म की घर की कंट्रोवर्सी को देखकर आप अपने घर की कहानी से कनेक्ट करने लग जाओगे, जो समटाइम बहुत रूट तरीके से पेश करी गई है और कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग इंपैक्ट डालने की कोशिश भी कर सकता है। दूसरा, मूवी बेस है रॉकी और रानी उर्फ रणवीर और आलिया के लव स्टोरी की कहानी पर। अब इनको करनी होती है शादी तो ये दोनों चाहते हैं कि शादी सिर्फ हमारी ही ना हो, हम दोनों के परिवार की भी होनी ही चाहिए, का समझे जहाँ तक है ना समझे, मतलब ये दोनों करते हैं खुद को एक्सचेंज आलिया रणवीर के घर और रणवीर आलिया के घर अगले 3 महीने तक, और दोनों एक दूसरे की लाइफ एक दूसरे के घर जाके जीने लग जाते हैं और लास्ट में फैमिली रिजल्ट निकालेगी कि ये लोग फिट हो भी पाएंगे या नहीं हमारी फैमिली में। तो ये कॉन्सेप्ट थोड़ा अमेजिंग लगा, बाकी मज़ा आ जाएगा आप लोगों को भी। देखो बॉलीवुड मूवी है और सॉन्ग्स ना हैं तो मूवी कंप्लीट कैसे होगी, ये बिल्कुल वैसा ही कॉन्सेप्ट है दही के बिना जलेबी, है ना। जी हाँ सही पकड़े हैं भाई साहब, मूवी में सॉन्ग्स की बाढ़ आ रखी है कैसे, बिल्कुल आसाम के फ्लड जैसे। वहाँ लोग ये नहीं तय कर पाते कि भैया ब्रह्मपुत्र माँ चाहिए क्या आखिर आपको, जान लेके मानोगे क्या, सेम थिएटर में ये तय नहीं कर पा रहे हैं लोग कि मूवी देखने आए हैं या सॉन्ग्स की एल्बम चल रही है। भाई साहब इतने गाने हद कर दी कसम से। हाँ 70s के बहुत से गानों की झलक देखने को मिलेगी लाइक चौदहवीं का चांद है तू, मेरी प्यारी बिंदु, मेरे सपनों की रानी, मस्त बहारों का मैं आशिक और अभी ना जाओ छोड़कर, ये सारे सॉन्ग्स। इसी के साथ दोस्तों डायलॉग्स भी कुछ बहुत दमदार हैं, लाइक वहाँ अंकल जी को माधुरी चढ़ गई है। सेकंड ये कि हुनर का कोई जेंडर नहीं होता, और तीसरा ये कि गजनी और सजनी। तो डायलॉग्स अमेजिंग, राइटिंग में कुछ तो परफेक्शन पेश करने की कोशिश करिए राइटर साहब ने। बाकी रॉकी और रानी का कैरेक्टर के बारे में बताऊं तो रॉकी एक घनघोर अमीर परिवार से होता है जो फुल मस्ती में अपनी लाइफ को जीता है, बाप का पैसा जबरदस्त तरीके से खर्च करता है। दूसरा आलिया होती है एक जर्नलिस्ट और ये भी काफ़ी अमीर परिवार से भी बिलोंग करती हैं, हमेशा की तरह करण जौहर की फिल्म है तो ये सब चीज़ें नॉर्मल हैं, अमीर खानदाना, बड़े बड़े चमकीले रंग बिरंगे ग्रांड सेटअप, हाई फाई लोकेशंस और इतने सारे महंगे और अच्छे कपड़े, लाइक एक सॉन्ग में ही इन्होंने इतने सारे कॉस्ट्यूम चेंज कर रखे हैं आपकी आंखें चौंधी आ जाएंगी, आंखें रंग बिरंगी हो जाएंगी, मतलब स्पॉन्सर की इन्होंने लपक के ले रखी है सीधा सीधा कहें तो। वुमेन एंड एम्पावरमेंट पर जबरदस्त जोर दिया गया है। लास्ट एक और, इसके बाद पक्का खत्म कर रहा हूं। हाँ पहला हाफ फुल ऑफ फन वाला है, रणवीर सिंह फाड़ के रख देगा पहले ही हाफ स्टेज का, और सेकेंड हाफ में फुल ऑफ इमोशनल ड्रामा फैमिली ड्रामा मिलने वाला है। दोस्तों मैंने बहुत बोल लिया, अब आपकी बारी। पहला तो ये बताएं कि रणवीर और आलिया की ये जोड़ी आप सभी को कैसी लगी। दूसरा, अगर आप लोगों ने भी मूवी देख लिया है तो आपको मूवी कैसी लगी, नीचे फटाफट कमेंट बॉक्स पर अपनी राय और एक्सपीरियंस जरूर शेयर करके जाना। बाकी मूवी रिव्यू और बॉक्स ऑफिस से जुड़ी सभी अपडेट्स के लिए और बॉलीवुड हॉलीवुड और साउथ फिल्मों की अपडेट्स के लिए हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहना, और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। दूसरा, अंगूठे वाला बटन दबा के वीडियो को लाइक जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, जय हिंद।